हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम फोर्थ पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी के बारे में पढ़ा था। बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध जन का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। आज हम पढ़ेंगे प्रबुद्ध जन की राजनीतिक भूमिका के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं इन बुद्धिजीवियों की राजनीतिक भूमिका क्या है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो विशेष योग्यता समाज में अन्य लोगों के तुलना में विशेष योग्यता, विशेष क्षमता, कूटनीतिकता के आधार पर अपना बौद्धिक प्रभुत्व धारण करता है। इन्हीं विशेष गुणों के कारण सामाजिक व राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों का महत्व व प्रभाव देखा जाता है। बुद्धिजीवी लोग समाज व राजनीति का केंद्र बिंदु होते हैं। वह ये समाज और राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक अभिजन व बुद्धिजीवी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों का राजनीतिक महत्व लगभग एक जैसा ही होता है। बुद्धिजीवियों की राजनीतिक भूमिका क्या है, ये मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। बुद्धिजीवियों की राजनीतिक भूमिका या महत्व इस प्रकार से है। फर्स्ट बिंदु है राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण में महत्व। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था भिन्न प्रकार की होती है। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कहीं तो लोकतांत्रिक होता है, कहीं सर्वाधिकारवादी होता है, कहीं निरंकुश या अधिनायकवादी होता है ना? तो इन सब के पीछे इन बुद्धिजीवियों का ही हाथ होता है। जिस तरह से लेनिन जैसे बुद्धिजीवी दार्शनिक ने सोवियत रूस में साम्यवादी आंदोलन को जन्म दे करके वहाँ साम्यवादी सरकार का निर्माण किया है, उसी प्रकार से मुसोलिनी तथा हिटलर जैसे बुद्धिजीवियों ने भी अपने अपने देशों को राजनीतिक व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्रदान किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कुछ बुद्धिजीवियों के बल पर ही भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य जैसी व्यवस्था का उदय हुआ। गांधी है, नेहरू है, लोहिया है, जयप्रकाश नारायण है आदि बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा साम्राज्यवादी व्यवस्था का भारत में सफाया हुआ है। इस तरह से बुद्धिजीवी वर्ग के नेतृत्व क्षमता से ही राजनीतिक व्यवस्थाएं पनपती है ना? और बुद्धिजीवियों के द्वारा ही देश की संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के निर्माण में महत्व। प्रबुद्ध जनों का दूसरा राजनीतिक महत्व या राजनीतिक भूमिका राजनीतिक दलों के निर्माण से संबंधित है। राजनीतिक दल के सभी सदस्य बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो पार्टी का नेता होता है उसके अनुसरण में ही सारे सदस्य कार्य करते हैं। कार्ल मार्क्स ही मार्क्सवादी पार्टी को अभ्युदय में लाए थे, जैसे कि है ना, जिस पर आज पूरे विश्व की सरकारों में इस पार्टी के अस्तित्व को देखा जा सकता है ना? जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों व ट्रेड यूनियनों के पीछे बुद्धिजीवियों की भूमिका रहती है, इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि राजनीतिक दलों के निर्माण में भी प्रबुद्ध जनों का की भूमिका का बहुत ही महत्व होता है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का महत्व। प्रबुद्ध जनों की राजनीतिक महत्ता इस बात में भी है कि ये राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निग्रो बुद्धिजीवी अमेरिकी संस्कृति और प्रौद्योगिकी को स्वीकार करते हैं। प्रबुद्ध जन किसी देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकर्ता या निर्माता होते हैं, है ना?
सरकार के निर्माण में भी इनका महत्व होता है। प्रबुद्ध जनों के सामूहिक प्रयास से ही देश की सरकारों का संगठन किया जाता है। सरकार में इनकी प्रभावशीलता और निर्णयकारिता बनी हुई रहती है। सरकार को गिराने में बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध जन का की भूमिका होती है, जो कि विरोधी दल के नेता होते हैं। सरकार में बैठे नेता, मंत्री, सांसद, नौकरशाह बुद्धिजीवी के आदेशों का पालन, इन सारे बुद्धिजीवियों के आदेशों का पालन जनता करती है ना। फिर नेक्स्ट है नौकरशाही के रूप में बुद्धिजीवियों का महत्व। सरकार की प्रशासनिक संचालन का जिम्मा बड़े बड़े नौकरशाहों के पास होता है ना। ये नौकरशाह अपनी बुद्धि परीक्षण के आधार पर चयनित होकर के सरकारी सेवाओं में, सिविल सर्विसेज में आते हैं। ये शासन संचालन के कार्यों में पूर्णतया निपुण होते हैं और सरकार के कार्यों को सफलतापूर्वक संपादन करते हैं। यदि अयोग्य अविवेकी नौकरशाह होंगे तब ऐसी स्थिति में नौकरशाही में दोष उत्पन्न होते हैं तथा प्रशासन तंत्र भ्रष्टाचारी हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक संघर्ष व अराजकता को दूर करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका का महत्व। कई बार, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार देश में राजनीतिक अव्यवस्थाएं चरम रूप में होती दिखी जा सकती है। इस संघर्ष से वर्ग संघर्ष पनपने का खतरा हो जाता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के नष्ट होने से पूरी राजनीतिक व्यवस्था पंगु हो जाती है, जिससे कि राजनीतिक विकास बाधित होता है। तो राजनीतिक संघर्षों से मुक्ति पाने तथा देश में शांति को फिर से बहाल करने के लिए प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवियों का अपना महत्व होता है। ये भूमिका निभाते हैं उस समय और पुनः देश में शांति और राजनीतिक संघर्ष से देश को मुक्त करते हैं। फिर स्वस्थ नेतृत्व की में महत्व। नेतृत्व राजनीतिक व्यवस्था और विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। अच्छा नेतृत्व अच्छी स्थायी सरकार का निर्माण करता है। नेतृत्व क्षमता बुद्धिजीवियों की एक विशेषता होती है। बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध जन वर्गों में नेतृत्व के गुण, क्षमता और योग्यता पाई जाती है, जिसके कारण एक अच्छे नेतृत्व से समाज को एक नई दिशा प्राप्त होती है। नेतृत्व सबके बस की बात नहीं होती है ना। ये तो जो समाज के कुछ प्रबुद्ध जन या बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनके अंदर ही ये होती है और इन बुद्धि प्रधान लोगों की क्षमता पर ही निर्भर होता है। फिर नेक्स्ट है जनमत निर्माण एवं संचालन में प्रबुद्ध जन की भूमिका। जनता के विश्वास को अर्जित करना जनमत कहलाता है। एक बुद्धिजीवी जनता के मतों, उनकी भावनाओं, विश्वासों को अपने पक्ष में रखने की शक्ति रखता है। वर्तमान समय में कई बुद्धिजीवी वर्ग सक्रिय रूप से जनाधार प्राप्त करने में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हैं। एक स्वस्थ जनमत निर्माण में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि को आड़ा नहीं आना चाहिए। प्रबुद्ध जन इन सबसे परे रह करके स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत का संचालन भी समाज के अंतर्गत यही बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध जन करते हैं। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक समस्याओं को दूर करने में प्रबुद्ध जन की भूमिकाएँ। देश में कभी कभी अनेक विषम राजनीतिक परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं, जिससे देश को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। आर्थिक संकट है, राजनीतिक संकट है, इन सब के चलते अनेकों राजनीतिक समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इन राजनीतिक समस्याओं और संकट को हल करने में समाज के प्रबुद्ध जन और बुद्धिजीवियों की विशेष भूमिका होती है। फिर नेक्स्ट है जन कल्याण में महत्व। प्रबुद्ध जन की जनता के कल्याण में भी रुचि
बहुत बार देखी जाती है, जैसे कि गरीबी हटाओ है ना आदि के नारे, या महंगाई कम करो है ना आदि के नारे विभिन्न पार्टी की सरकारों द्वारा दिए जाते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि बुद्धिजीवी वर्ग उपेक्षित जनता के हित के बारे में सोचते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में भी बड़े बड़े तकनीशियन, वैज्ञानिक, चिकित्सक, विधिवेता, शिक्षा शास्त्री आदि का जो भी योगदान होता है वह संपूर्ण समाज की भलाई के लिए किया जाता है। ये सभी लोग समाज के प्रबुद्ध जनों में से ही आते हैं। इन सारी भूमिकाओं के अलावा भी समाज में बुद्धिजनों या प्रबुद्ध जनों का बहुत सा महत्व है। जैसे कि प्रबुद्ध जन के द्वारा नवीन आविष्कारों को प्रशय मिलता है ना। बुद्धिजन लोग अपनी बुद्धि और कर कार्य के द्वारा नवीन आविष्कारों को जन्म देते हैं। हेलो बच्चों, व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका होती है। ये देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। आर्थिक प्रबुद्ध जनों या बुद्धिजनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पादनों में भी वृद्धि होती है ना। ये देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सहायक होते हैं। राजनीतिक समाजीकरण में बुद्धिजीवियों का विशेष महत्व होता है। सरकार व जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी बुद्धिजीवी लोग मदद करते हैं। शासकों को सलाह देने का कार्य भी बुद्धिजीवियों का होता है, और बौद्धिक चरित्र के निर्माण में भी बुद्धिजीवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से देखा बच्चों आपने कि समाज में प्रबुद्ध जन की भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एडवर्ड शील्स कहते हैं कि भारत के राजनीतिक विकास में सम्मिलित राजनीतिक नेतृत्व तथा संभ्रांत जन वर्ग का बड़ा प्रभाव बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित है। थैंक यू। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।